सो गाइस यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज की स्पॉन्सर के। तो आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर करे 11 विकेट ने। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेने का लिंक मैंने आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहां से आप सभी को इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद जैसे ही आप साइनअप करोगे पासवर्ड फ़ोन नंबर वगैरह डाल करके, तो इस तरह का इंटरफेस आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। गाइस 11 विकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टीम बना करके आप लोग ढेर सारे अर्निंग कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पे और भी ढेर सारे कमाल के फीचर्स वगैरह देखने को मिलते रहते हैं, तो आप सब चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ गाइस यार, अभी तक अगर आप लोगों ने 11 विकेट को पहली बार डाउनलोड करा है मेरे दिए लिंक से और अपना फर्स्ट डिपॉजिट नहीं करा है, तो गाइस यार देर किस बात की है, जाइए फटाफट से मोबीक्विक के साथ अपना फर्स्ट डिपॉजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है 500 रुपीज़ तक कैशबैक। इसके लिए जो कोड आप सभी को बता रखा है उस कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी इनका टर्म एंड कंडीशन जो है ना गाइस, वो भी आप सभी को अच्छी तरह से रीड कर लेना है। तो अब चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि आप लोग को यहाँ पर किस तरह से अपना फर्स्ट डिपॉजिट कर लेना है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट डिपॉजिट करने के लिए आपको बैक आना पड़ेगा, और बैक आने के लिए प्रोफाइल वाला आइकन पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आने के बाद डिपॉजिट का आइकन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी को क्लिक कर देना और अपना अमाउंट जो है आप सभी को क्लिक कर देना है। इसी के साथ यहाँ पे जो है आप सभी को प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देना। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो आप सभी को यहाँ पर मोबीक्विक का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ऐड वाले पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इसके अलावा और भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अगर आपको कैशबैक चाहिए तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा और यहाँ पे जो कोड बता रखा है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके बाद ऐड वाले पे क्लिक कर देना आप सभी को, और इसके बाद थोड़ा सा आपका पेज लोड होगा अगर आप पहली बार करते हो तो। इसके बाद यार गाइस, आप सभी के फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, तो उस OTP को आप सभी को यहाँ पर फिल कर देना। जैसे चलिए मैं भी यहाँ पर अपने OTP को डाल देता हूँ। जैसे आप OTP डाल दोगे तो इंटरफेस आप सभी का चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर आप सभी को अप्लाई कूपन और कैश मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को वो जो मैंने कूपन बता रखे, कोड बता रखे आप सभी को KWIK550 हुआ, आप सभी को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट करने के लिए UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू करके इजिली पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस यार देर किस बात की, जाइए फटाफट से 11 विकेट को डाउनलोड कीजिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अर्निंग करना स्टार्ट कीजिए। सो ही व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग, तो आप सभी का स्वागत करते एक और नई वीडियो में। और आ चुके हैं आप सभी के लिए T20 वर्ल्ड कप 2022 का मैच नंबर 2 के साथ। पहला मुकाबला आप सभी ने पाकिस्तान के साथ वॉच कर लिया था, और आज का मुकाबला सेकेंड T20 मैच होने वाला है नामीबिया के साथ। तो वैसे तो टीम इंडिया इस मुकाबले के अंदर फेवरेट मानी जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो दोनों टीमें तैयार है टॉस के लिए, और नामीबिया भी तैयार है टॉस के लिए। तो चलते हैं यहाँ पर टॉस की तरफ और देखते हैं क्या फैसला होने वाला। तो यहाँ पे करेंगे हिट्स के साथ जाएंगे अपन, और टॉस विन करने के बाद पहले बॉलिंग करने का फैसला लेने वाले आज के मुकाबले के अंदर, क्योंकि हम नामीबिया से नहीं चाहेंगे कि ये चेस करने को आए। तो टॉस विन करने के बाद भारतीय टीम का बॉलिंग करने का फैसला यहाँ पर क्या सही होगा वो तो वक्त की बात है। सो अच्छे चेस करने पड़ेंगे भारत टीम को। तो पहला ओवर स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल के साथ जाने वाले हैं। तो आप लोग अभी से यार इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड क्या लगता है आप सभी को नामीबिया का स्कोर क्या होने वाला है वो भी हमें कमेंट करके बताए जरूर। युजवेंद्र चहल आएंगे गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर में भारत टीम के लिए, और नामीबिया के बल्लेबाज जो हैं तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। तो पहली बॉल है नामीबिया के बल्लेबाज के लिए, और अगर 50 के आसपास का स्कोर निकालेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है भारत के लिए, क्योंकि एक्सपर्ट के अंदर डिफिकल्टी है, तो मुश्किल जो है कहीं के गाइस हो सकती है। तो चलेगा इस पहली गेंद पे इन्होंने डबल के साथ अच्छे शुरुआत कर दिए। 30-30 गेंदें हैं दोनों ही टीमों के पास। पहली गेंद पर अच्छे शॉट के साथ कराए आगाज। ओवर की सेकेंड गेंद बिल्कुल स्टंप के लाइन से बॉल बाहर करवाने का ट्राई कर रहे हैं, और वो करवाने में अभी तक कामयाबी मिली तो है, लेकिन बल्लेबाज भी यहाँ पे बहुत चतुराई के साथ शॉट प्ले कर रहे हैं। एक और डबल जो है मिल जाएगा यार बल्लेबाज को। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ यार कि बल्लेबाज को यहाँ से बॉडी से दूर रखूँ बॉल को, और उसको स्टंप आउट करवाने का ट्राई करूँ, लेकिन गेंद किसी भी तरह से यहाँ जो ओपनिंग टीम है वो लगवाने में कामयाबी पा रहे हैं। तो पहले दो गेंद पे दो डबल निकाल चुके हैं, और स्लिप के अंदर हमारे हार्दिक पांड्या तैनात। इस प्रति को सामने शॉट खेलकर इन लोगों ने सिंगल निकाल लिया, तो इसे कहते हैं भाई बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से। ट्राई करने वाले हैं कि नामीबिया को जितने कम के स्कोर पर रोका जाए, भारत टीम को चेस करने में उतनी आसानी होने वाला है। मेरे ख्याल से अगर 50 से नीचे रोक लेंगे तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी माना जाएगा इस मैच के अंदर। फिलहाल चल इसी बीच एक और डाउन द ग्राउंड शॉट है, यहाँ तो मिलेंगे एक और सिंगल, और सिंगल से परेशानी वैसे अभी तो अपने को है नहीं, क्योंकि पावर प्ले चलेगा दो ओवर। तो अपने ओवर से प्रयास होना चाहिए कि भाई दो ओवर किसी भी तरह से निकाल लेंगे तो अच्छा होगा हमारी टीम के लिए। तो पहले चार बॉल 6 रन आ चुके हैं। वैसे यार आप सभी को क्या लगता है
और सिंगल यहाँ पे एक और मिलेगा। वैसे 2022 T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए तो उसमें नामीबिया नहीं है। इसका वैसे नेक्स्ट अपडेट आएगा तो अपन रियल स्क्वाड मतलब जो भी रियल टीम होंगे इसका मतलब लिस्ट के अंदर उनके साथ खेल पाएंगे। इस ओवर की आखिरी गेंद है और पहले ओवर की आखिरी गेंद मिलेगा बल्लेबाज को यहाँ पे एक और डबल। तो पहले ओवर के अंदर 9 रन आए हैं तो मैं कहूँगा ठीक है, पावर प्ले के हिसाब से अगर आप पहले ओवर के अंदर 9 रन दोगे तो चलेगा कैनेडियन टीम को। इतना पहले ओवर में 9 रन के साथ आगाज़ करें तो एक और ओवर मुझे लगता है स्पिन गेंदबाज को दे देना चाहिए। और अक्षर पटेल तो यार वैसे भी आजकल स्पिन गेंदबाजी में पावर प्ले के अंदर अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, तो अक्षर पटेल को मैं एक और ओवर दे चुका हूँ। एक और ओवर स्पिन गेंदबाज को, पहले लेग स्पिनर था और ये ऑफ स्पिनर, और पहली गेंद में बिल्कुल वाइड ऑफ द लेंथ करवाने का ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश है और नहीं है तो कुछ ज़्यादा बॉल बाहर करवा बैठे और स्पिन भी बॉल कर गया। तो यार पहली बॉल जो है ना ये वाइड बॉल के साथ होगी शुरुआत, तो थोड़ी सी खराब बॉल यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया अक्षर पटेल से, आगाज़ ओवर का हम लोग बढ़िया नहीं कर पाए। चलो यहाँ पे पहली बॉल है, अब देखते हैं इस वाली बॉल पे कहाँ बल्लेबाज शॉट प्ले करते हैं। फिलहाल तो अभी तक हम लोगों ने बल्लेबाज को बैक फुट के ऊपर रखा है, हाथ खोलने का मौका भारतीय गेंदबाजों ने दिया नहीं है। एक वाइड के साथ 9 रन बल्ले से आए हैं और 10 बन चुके हैं पहली 7 गेंदों के ऊपर। तो पावर प्ले के अंदर अगर 15-20 से स्कोर रहा तो मैं कहूँगा जीत भारत टीम का। लेकिन एक और बार ये शॉट गैप में है तो यहाँ से डबल का प्रयास कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यार, यहाँ पे 2 रन था लेकिन सामने वाली टीम ने कहा नहीं, हम सिंगल के साथ इतनी संतुष्टि करने वाले हैं। तो गेंदबाजी अभी तक अक्षर पटेल ने भी काफ़ी शानदार करें और फॉर्म के अकॉर्डिंग यार अच्छी गेंदबाजी मैं कहूँगा। और एक और बढ़िया गेंद है, यहाँ पर भी सिंगल मिलेंगे तो 30 सकल के अंदर ही सारी गेंद को रखने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं बल्लेबाज। और अगर पावर प्ले के अंदर रन नहीं आएंगे तो फिर आने वाले ओवर्स के अंदर मुश्किल जो है इनके लिए बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि फिर फील्ड ओपन हो जाएंगे तो फिर रन करना आसान नहीं होगा बैट्समैन के लिए। तो ये ट्राई है कि अगले 3 गेंदें भी इस तरह से अच्छी गेंद हो जाए। ओवर की चौथी बॉल अक्षर पटेल, और यहाँ तो गेंद हवा में मारा है, गैप पे मारा है, 2 रन का प्रयास कर रहे हैं कहीं करना चाहिए, लेकिन शॉट बहुत तेज गति के साथ गई थी फील्डर के पास, इसी वजह से एक और सिंगल ही मिलेंगे। तो पावर प्ले के अंदर पूरा फायदा यहाँ पर भारत को लेता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है कहने के गेंदबाज। और ये थोड़ी सी बाहर गेंद, कैरम बॉल थी, ड्राइव करने का प्रयास किया लेकिन लेंथ को भांप नहीं पाए, डॉट गेंद आएंगे। अक्षर पटेल 5 गेंद 4 रन, पावर प्ले के अंदर शानदार गेंदबाजी कर रही है, लेकिन आखिरी बॉल यहाँ पे बस बड़ा शॉट ना लग जाए। और लीजिए आखिरी बॉल यहाँ पे बल्लेबाज ने खेल दिया बड़ा शॉट और पावर प्ले की समाप्ति करेंगे एक बड़े शॉट के साथ। तो पिछले ओवर में भी 10 आ गए, पहले ओवर में 9, उसके बाद 10, तो ठीक है ये वाला ओवर भी थोड़ा सा यहाँ जो है यहाँ पे मैं कहूँगा ठीक है बराबरी वाला ओवर है, 120 मीटर का ये बड़ा अच्छे लगा है, लेकिन अपना काम गेंदबाजों ने पावर प्ले के अंदर बखूबी कर दिया है। 2 ओवर की समाप्ति इसी के साथ यहाँ पे हो जाएगा। अब हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह है, तो पहले हार्दिक पांड्या से अपनी गेंदबाजी करवा लेते हैं और फील्डिंग में चेंज करना पड़ेगा अपने को, फील्डिंग में चेंज करते हैं और हल्का शॉट ऑफ द लेंथ ट्राई करने वाले हैं कि गेंद को हल्का शॉट रखा जाए जहाँ पे बल्लेबाज फंस जाते हैं। लास्ट मुकाबला भी हम लोगों ने इस लेंथ के ऊपर शानदार गेंदबाजी कर दी और वैसे भी नामीबिया है तो बल्लेबाज के पास कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो सकता है और इसका फायदा मिलेगा भारतीय टीम को। फिलहाल पहली बॉल डाउन द ग्राउंड शॉट खेला है, एक ओवर सिंगल मिलेगा तो जो स्कोर मैंने प्रिडिक्ट करा था बैटिंग जो उसी अकॉर्डिंग अभी तक चल रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा वो लाइक कर देना। और 2022 में देखा जाए तो भारतीय गेंदबाजी के पास बहुत सारी चुनौती भी होने वाली है, इसे ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया का होगा। और यहाँ पे एक और वर्क लाइक का इस्तेमाल करा है, फील्डर मौजूद है तो एक और मिलेगा सिंगल, और अपने को अगर सिंगल डबल से कोई तकलीफ है नहीं। और रहा बात का इस पाकिस्तान का, तो हम लोगों ने पाकिस्तान से पहला मुकाबला बहुत करीबी से विन कर लिया है तो हमारे पास 2 पॉइंट तो पहले ही से हो चुके हैं, और आज का मुकाबला अगर हम विन करते हैं तो 2 पॉइंट और हो जाएंगे, यानी हमारे पास 2 मैच में 4 पॉइंट हो जाएंगे अगर आज का मुकाबला विन करते हैं तो, और फिर हमारे थोड़ा सा क्वालिफायर करना इजी बन जाएगा। लेकिन आज का मुकाबला विन करना टीम के लिए इसलिए भी इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जो मैच होंगे ना वो साउथ अफ्रीका से होंगे, और साउथ अफ्रीका टीम यार अच्छे फॉर्म में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी टीम है, बड़ी बड़ी टीम है तो वहाँ आसान नहीं होगा, तो ये वाला मैच थोड़ा सा हल्का मैच हो सकता है भारत के लिए। और अभी तक तो हल्की बल्लेबाजी भी हुई है, भाई सामने वाली टीम अगर कोई बढ़िया टीम होती तो बल्लेबाजी में शायद रन थोड़ा सा अलग होता, तो ये वाला मैच उस लिहाज से भी जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक हल्की टीम है और सभी टीमें इनको हराना चाहेंगी, और इनको हरा करके सबके 2 पॉइंट वैसे ही मुफ्त मिल जाएंगे। और ये लो, ये तो बहुत कमाल का शॉट है, बल्ले का फेस दिखाया बल्लेबाज ने और ये दर्शनीय शॉट है भाई, दर्शक के पास भेजा इस गेंद को और बड़ा छे वाला कहीं ना कहीं, ये छोटा मोटा छे नहीं भाई, मारते हैं तो बल्लेबाज बड़े शॉट ही मारते हैं। और सेकेंड छे है इस इनिंग के अंदर,
नमीबिया की ओर से और अच्छी टाइमिंग के साथ शॉट खेला। तो यॉर्कर गेंद ट्राई करते हैं, अभी तक भारत टीम को विकेट मिली नहीं है क्योंकि शायद भारत टीम ने विकेट का दरकार समझा नहीं है। आखिरी बॉल इस ओवर के अंदर हार्दिक पांड्या और बढ़िया यॉर्कर गेंद के साथ इस ओवर की करेंगे समाप्ति। तो 12 गेंद अभी बाकी है और नमीबिया सोचेगा कि 12 गेंद में आराम से 50 के आसपास का स्कोर लेकर जाए, लेकिन वो 50 का स्कोर कर पाना आसान होगा नहीं। अब मैंने मोहम्मद शमी को वैसे ही खिलवा लिया अपने टीम के अंदर, हालांकि यार T20 वर्ल्ड कप के अंदर मुझे लगता है बुमराह वैसे अब है नहीं, तो बुमराह का रिप्लेसमेंट क्या गाइस शमी हो सकता है? आप लोग कमेंट करके बताना क्या बुमराह का रिप्लेसमेंट मोहम्मद शमी हो सकते हैं। मुझे लगता है हो सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ की ग्राउंड जो है गाइस बहुत बड़ी ग्राउंड है और वहाँ पर बहुत समय वो मैच भी खेल चुके हैं काफ़ी बार मोहम्मद शमी, तो एक्सपीरियंस भी है वहाँ पर बॉलिंग करने का। नए गेंदबाज जाएंगे तो भाई वहाँ पर उस कंडीशन में गेंदबाजी करना जो है आसान नहीं होगा, तो कहने के उस कंडीशन में मोहम्मद शमी बुमराह जैसे गेंदबाज बहुत बार गेंदबाजी कर चुके हैं, तो जो गेंदबाजी कर चुके हैं उनके लिए अच्छी होगी गेंदबाजी करना। फिलहाल पहली बॉल पे सिंगल आया है यहाँ पे और एक और रिप्लेसमेंट हो सकते हैं शायद दीपक चहरे के साथ ये जाए, क्योंकि दीपक चहरे का देखा जाए तो भाई करंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है और बल्लेबाजी से भी रन कर रहा है, तो एक तो भाई बैटिंग में थोड़ा सा भारत टीम को गहराई मिल जाएंगी और गेंदबाजी नई गेंद से अच्छी कर लेते हैं। और पिछले मुकाबले के अंदर आखिरी ओवर भी इन्होंने बहुत शानदार करा था, तो 19वां ओवर शायद करा था इन्होंने साउथ अफ्रीका के सामने, तो कहीं ना कहीं 30-20 मैच में, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सेलेक्टर्स जो हैं दीपक चहर के पीछे भी जा सकते हैं। वो बुमराह के रिप्लेसमेंट के रूप में वैसे अगर देखा जाए तो हो सकते हैं शमी या फिर दीपक चहर मेरे अकॉर्डिंग। तो फिलहाल यहाँ पे 3.3 गेंद 33 रन करिए नमीबिया ने, गेंदबाजी अभी तक बहुत अच्छी करिए लेकिन विकेट भारत को नहीं मिला और यहाँ पर फाइनली विकेट मिलेगा भारतीय टीम को। मिस टाइम करा बल्लेबाज ने और पहली सफलता भारत को मिलेगा। दिलवाने में कामयाब रहे मोहम्मद शमी, शानदार शमी ने बताया कि इनको किस लिए वर्ल्ड कप में खिलवाना चाहिए, तो पहली सफलता मिली है भारतीय टीम को। नए बल्लेबाज विलियम्स आएंगे लेकिन भारतीय टीम का कोशिश पूरी तरह से होने वाला है कि यहाँ पे दबाव में नमीबिया को रखा जाए, क्या 45 से पहले आप नमीबिया को रोक पाएंगे। फिलहाल एक और बढ़िया गेंद है और कहीं ना कहीं डॉट गेंद मिलेगा भाई, चौथे ओवर के अंदर गेंदबाज जो है डॉट गेंद करवा रहे हैं, तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए होगा। चलो इस ओवर की आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद फुल गति के साथ थोड़ा सा इस बार अंदर की तरफ बॉल लेके आएंगे, उतना शॉर्ट गेंद इस बार नहीं रखा है गेंदबाज ने और इसी का फायदा मिलेगा, एक और विकेट मिलेगी इस ओवर की आखिरी गेंद पे। तो इस ओवर में 4 रन आए टोटल और 2 सफलता निकाले मोहम्मद शमी ने, तो अच्छी गेंदबाजी मोहम्मद शमी के द्वारा, शानदार गेंदबाजी 2 बल्लेबाज को इस ओवर के अंदर चलता करा है मोहम्मद शमी ने, कमाल की बॉल डाली है इस ओवर के अंदर शमी ने। अब आखिरी के 6 गेंद बाकी है, वो करने को आएंगे जसप्रीत बुमराह, बस ये वाला ओवर जो है ना भारत के लिए कोई महंगा ओवर कन्वर्ट ना हो जाए, अगर ये वाला ओवर महंगा ओवर हो गया तो फिर बहुत टफ होने वाला है इनको रोक पाना। आखिरी के 6 गेंद फिलहाल नए बल्लेबाज फेस करने वाले हैं और पहले गेंद थोड़ा सा अपन शॉर्ट रखेंगे और रिवर्स स्विंग गेंद के साथ जाएंगे, गति बिल्कुल नहीं देंगे। आखिरी के 6 गेंद इस इनिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही निर्णायक होने वाली है। तो पहली बॉल यहाँ पे बाउंसर बॉल डाली है और लीजिए बाउंड्री रोप पे बल्लेबाज को काटेंगे चलता, तो बिल्कुल फील्ड के अकॉर्डिंग बॉलिंग करते हुए और भारतीय तेज गेंदबाज को यहाँ पे बड़ी रन होने का फायदा मिला। जसप्रीत बुमराह आए और पहली बॉल पे कमाल का विकेट निकाला है बल्लेबाज ने, शॉट में टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त करा, बल्ला तेज गति के साथ घुमाया लेकिन उन्होंने सामने की तरफ जो फील्डर तैनात थे ना उसी के हाथों में शॉट खेल दिया। तो आखिरी ओवर का शुरुआत बहुत बढ़िया करा है हमारे टीम ने, ओवर का आगाज विकेट के साथ करा है, 3 विकेट वैसे गंवा चुके हम नमीबिया, हालांकि विकेट का यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि आपके पास 30 गेंद है, ओवर की सेकेंड गेंद है और इस बार गति के साथ जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप हम 5 ओवर के फॉर्मेट में प्ले कर रहे हैं, मिनी T20 वर्ल्ड कप, और यहाँ एक और विकेट निकालने का मौका है भारत टीम के पास और लीजिए 2 गेंदों पे 2 सफलता निकालने में कामयाब रहे जसप्रीत बुमराह ऑन हैट्रिक। भाई एक और विकेट अगर बुमराह निकाल लेते हैं ना तो हैट्रिक हो जाएगा बुमराह के लिए, क्या एक और विकेट बुमराह निकाल करके हैट्रिक निकालेंगे भाई। 2 गेंद पे 2 विकेट निकाल चुके हैं और पिछली 7-8 गेंद के ऊपर 4 विकेट भारत ने निकाले हैं, 2 विकेट मोहम्मद शमी के नाम, तो 2 विकेट यहाँ पे बुमराह के नाम पे हो चुके हैं। और गेंदबाजी और इस मैच में कहने के काबिलियत तारीफ है, पहले वाले मैच में जब टीम इंडिया रन को डिफेंड कर रही थी तो भाई बहुत मुश्किल से वहाँ पे बची थे भारतीय टीम हारते, लेकिन आज के मुकाबले के अंदर गेंदबाजी बहुत ही अच्छी करी है भारत ने। अब यहाँ से 4 गेंद वहाँ की, ये वाली गेंद जो है फ्रिट गेंद है, इसका फ़ायदा क्या मिलेगा भारत को, क्या इसका फ़ायदा मिलेगा बुमराह को, 4 विकेट इनकी गिरा चुके हैं, क्या एक और विकेट मिलेगा जसप्रीत बुमराह को। हैट्रिक बॉल है और हैट्रिक गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने खेल दिया बड़ा शॉट, वो भी
खराब टाइमिंग के साथ है, मिलेंगे 6 बल्लेबाज को। बल्लेबाज का टाइमिंग यहाँ पे दूर दूर तक है नहीं, लेकिन बल्लेबाज नहीं खेला, बहुत बढ़िया शॉट। मिलेंगे 6 रन नामीबिया को। इस इनिंग का तीसरा 6 है और 69 मीटर का इस तरफ का बाउंड्री देखा जाए तो वैसे काफ़ी छोटा है, इसी का फ़ायदा मिला है कहीं ना कहीं बल्लेबाज ई टॉन को। फिलहाल चौथी बॉल बुमराह के द्वारा हैट्रिक निकाल नहीं पाए। और लीजिए एक और बड़ा शॉट है, ये तो कमाल का शॉट है, बहुत दूर गेंद को मारा। एक और 6 मिलेंगे बल्लेबाज के लिए, तो स्कोर जा चुका है 45 तक और 2 गेंदें अभी और बाकी है। भाई इनके पास गति नहीं होगा तो रन करना भारत के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाला है। 2 गेंदें बाकी है, 2 छक्के इस ओवर में बुमराह अभी तक खा चुके हैं और कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा गेंदबाज को, नहीं तो ये कहीं ना कहीं 2 छक्के और लगा देंगे। 2 गेंदें 2 छक्के निकाल चुके, पहले 2 बॉल 2 विकेट उसके बाद 2 छक्के। और यहाँ पे तो सिंगल मिलेगा, अपर कट खेलने का ट्राई किया था लेकिन मिलेगा यहाँ पे सिंगल, और सिंगल के साथ करेंगे और फ्राइक रोटेट डेविड वी से खेलेंगे आखिरी बॉल को नामीबिया के लिए। देखने वाली बात है आखिरी बॉल पे किस तरह की बल्लेबाजी ये करते हैं। आखिरी बॉल है, थोड़ा सा अलग लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करने की मंशा। आखिरी गेंद 50 के अक्रॉस करेंगे नामीबिया इसी के साथ। और लीजिए बिल्कुल एक और अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद के साथ यहाँ पे नामीबिया का स्कोर है 47। तो आसान नहीं होगा चेस करना भारत के लिए, पहला 2 ओवर में फायदा रहना पड़ेगा भारत को भी। बुमराह की गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही कहीं ना कहीं, हालांकि 2 छक्के खा गए लेकिन ठीक है, इतना तो चलता है कहीं ना कहीं आखिरी ओवर के अंदर। सो भारत को जीतने के लिए 50 करने पड़ेंगे तो पाप ले के अंदर रन करने पड़ेंगे। पहली 12 गेंदें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली 12 गेंद पर रन करें। तेज गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी करने के लिए और रोहित शर्मा सामना करेंगे इनके गेंदबाजों का। पहली गेंद से अटैकिंग खेलने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। पावर प्ले में रन अगर आ जाएंगे 25 रन या तो उससे थोड़ा कम, 25 या 20 तो काम चल जाएगा अपना। पहली बॉल वैसे मीडियम गति की गेंदबाज सारे के सारे मौजूद है और पहली बॉल पे लगा है बल्लेबाज का एज। यहाँ पे डबल का ट्राई कर सकते बल्लेबाज और पहली गेंद पे 2 तो कम से कम मिल जाएंगे बल्लेबाज को। तो भाग्य के साथ मिला यहाँ पे नामीबिया को, और नामीबिया जानते हैं कहीं ना कहीं कि अगर इनको पहले 2 ओवर में यार 1 या 2 विकेट मिल जाए या फिर रन कम दे तो दबाव भारत के ऊपर भी रहेगा। तो एक और बार हम जाएंगे उसी शॉट के साथ, यहाँ पे रन के आसार हो सकते हैं। और एक और बार टाइम इस बार नहीं कर पाए, पिछली बॉल पे लगा बैट का एज तो इस बार है टाइमिंग की कमी, लेकिन दोनों बार रिजल्ट ठीक ही है। 2-2 करके 4 जो है पहले 2 बॉल पे निकाल चुके हैं और ये वाला जो शॉट था ये बल्ले के बिल्कुल टोपे जाके लगी है, तो यहाँ तो वैसे भी रन का मौका कमी होने वाला है। फिलहाल ओवर की 3rd बॉल यहाँ पे गेंदबाज की ओर से, और ये अच्छा शॉट है, ड्राइव खेला है बल्लेबाज ने, गैप में शॉट है, कम से कम 2 या 3 तो बल्लेबाज को मिल जाएंगे। और यहाँ पे लगता है शॉट जिस तरह से खेला है बल्लेबाज एक और रन के लिए वापस आ सकते हैं। और भाग करके यहाँ पे बल्लेबाज ने 4 बटोर ली, इस बार दिखाया बल्लेबाज ने अपना टाइमिंग का इस्तेमाल और अच्छी शॉट के साथ यहाँ पे एक और चौका निकाल लिया। पहले 3 बॉल की 8 अंदर 8 रन भारतीय बल्लेबाज ने निकाल दिया। तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा फटाफट से एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बल्लेबाजी यहाँ पे बहुत ही कमाल की चलती हुई। ओवर की चौथी बॉल यॉर्कर बॉल करिए उठा के मारने का प्रयास करा, छोटी बाउंड्री है लेकिन टाइम नहीं कर पाए। यहाँ पे मिलेगा सिंगल भारतीय बल्लेबाज को और सिंगल के साथ करना पड़ेगा और फ्राइक रोटेट। केएल राहुल आएंगे और स्ट्राइक के ऊपर, देखना पड़ेगा वैसे केएल राहुल किस तरह की बल्लेबाजी करने वाले हैं। ओवर की 5वीं गेंद है गेंदबाज की ओर से और बड़ा शॉट यहाँ पे बल्लेबाज कहीं ना कहीं ट्राई करने वाले हैं। ओवर की 5वीं बॉल और बड़ा शॉट ट्राई किया लेकिन लगा है यहाँ पे बल्ले के नीचे और पीछे फील्डर मौजूद थे तो भारत को लगा यहाँ पर झटका। केएल राहुल के रूप में केएल राहुल का फॉर्म अभी भी वही ख़राब चलता हुआ। इस ओवर की 5 गेंद थे, जैसे केएल राहुल और फ्राइक के ऊपर आए इनको मिला ब्रेक थ्रू जिसकी दरकार थी कहीं ना कहीं इस समय पे नामीबिया को। विराट कोहली आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, 2 ओवर में फायदा रहने का हम लोगों ने ऐसा जिक्र करा था लेकिन लगता ये मैच जो है अभी तक ठीक ठाक चलता हुआ कहीं ना कहीं नामीबिया के लिए भी। इस ओवर की आखिरी बॉल है, बल्लेबाज रोहित शर्मा फेस करने वाले हैं और आखिरी बॉल पे ये गजब का शॉट मारा है बल्ले के बीचों बीच और बहुत दूर गेंद को मारा है। ये तो भाई शॉट ऑफ द मैच कहना पड़ेगा, कप्तान की ओर से आखिरी बॉल पे करा गया बहुत बढ़िया प्रहार। और इस प्रहार से कैसे बचेंगे नामीबिया वो तो वक्त की बात है, लेकिन ये बहुत बढ़िया शॉट है 142 मीटर का। ये बल्ले के बीचों बीच गेंद जब आती है इनके ना तो इस तरह के बड़े शॉट आते हैं। और भाई कहीं ना कहीं कोहली भी कहता होगा कि भाई चलो ठीक है मेरे ऊपर से थोड़ी सी जिम्मेदारी कम होगी नेक्स्ट ओवर के लिए, तो लेके आएंगे लेग ब्रेक गेंदबाज को। अब यहाँ से तेज गेंदबाज का पहला ओवर थोड़ा सा महंगा ओवर हो गया तो अब लेग ब्रेक गेंदबाज के साथ जाने का फैसला नामीबिया के कप्तान का। पहले गेंद इस मुकाबले में फेस करने वाले विराट कोहली और पहले गेंद पे ड्राइव के साथ आगाज़ करेंगे, हालांकि टाइम नहीं कर पाए
और 30 ईयर सर्कल के अंदर बॉल रह जाएंगे, लेकिन फिर भी बल्लेबाज जो सिंगल लेके करेंगे अपना और स्ट्राइक रोटेट। तो ओवर का आगाज सिंगल के साथ भारतीय बल्लेबाज ने करा है। अब देखना पड़ेगा कप्तान वापस आए हैं और स्ट्राइक कीपर तो क्या एक और अच्छा शॉट खेल पाएंगे। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सिंगल का ट्राई करेंगे लेकिन आधे पीछे वापस आना पड़ेगा। शॉट हाथों में खेल करके सिंगल का ट्राई कर रहे थे और ये भारतीय टीम को लगा है एक बहुत बड़ा करड़ा झटका। विराट कोहली यहाँ पे आउट हो गए जाएंगे बिना एक रन कर पाए। बस और बस विराट कोहली गेंद खेल करके भाग्यशाली इस मुकाबले में रह गए, कहीं नमी भी कि विराट कोहली का विकेट इनको मिले रनआउट के जरिए और आधे पीस से वापस आएंगे तो ये तो होना ही था। नहीं, बल्लेबाज सुकुमार यादव आएंगे, गलत फैसला रहेगा वहाँ पे सिंगल निकालने का, गलती हो गई कहने के वहाँ पे। 16 पे अब दो विकेट निकाल चुके हैं नामीबिया। अब कप्तान को थोड़ा सा अलग शॉट यहाँ पे क्या खेलना चाहिए। ओवर की थर्ड बॉल हिटमैन और अच्छा शॉट है। नहीं, यहाँ पे तो फील्डर मौजूद है तो एक और मिलेगा सिंगल। ऐसा लगा कि यहाँ पे यार सिंगल मिल डबल मिल जाएंगे या फिर चार मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सुकुमार यादव अच्छे फॉर्म में, अच्छे लैम है और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सूर्यकुमार यादव को है इस मुकाबले में लेना। क्या ले पाएंगे वो मैच विनिंग पारी जो है सूर्यकुमार यादव को आज खेलने पड़ सकते हैं। एंड तक इस मैच को लेकर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए भारत को, जल्दी से जल्दी इस मुकाबले को ख़त्म करने का ट्राई करना चाहिए। हालांकि वाइड बॉल का कॉल आ सकता है, ख़राब गेंद है लेकिन गेंद को ज़्यादा स्पिन कर गई तो इस गेंद को लीव करने का फैसला भी गलत साबित हुआ है। ऐसा पहले लगा कि इस गेंद को लीव कर सकते हैं लेकिन नहीं यार, यहाँ तो काफ़ी बढ़िया गेंद स्पिन कर गई और स्कैम हो गया बल्लेबाज के साथ और एक क्लीन बोल्ड कर बैठे। गेंद को लीव करा बल्लेबाज ने लेकिन ये दांव भारी पड़ा हमारे ऊपर ही। नए बल्लेबाज इन्हें कार्तिक को लेके आते हैं। आने वाले बल्लेबाज की बात करें तो ऋषभ पंत है, उसके बाद हार्दिक पांड्या और उसके बाद अक्षर पटेल। तो थोड़ा सा बल्लेबाजी पर ध्यान देना पड़ेगा अपने को। अपन जो है तीन विकेट गिरा चुके हैं और इस ओवर की पहले चार बॉल आए हैं मात्र दो रन। रोहित शर्मा अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं बहुत शानदार, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को भी रन करने पड़ेंगे। और ये लीजिए पहली गेंद पर चौका आएगा फिनिशर दिनेश कार्तिक के बल्ले से और आगाज़ तो वैसे दिनेश कार्तिक ने बहुत ही बढ़िया करा है। वैसे स्पिन गेंदबाज है तो कदमों का इस्तेमाल भी बल्लेबाज नहीं कर सकते हैं। अगर तेज गेंदबाज हो तो आप कदमों का इस्तेमाल भी कर लेकिन स्पिन गेंदबाज के विरुद्ध आप कदमों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अगर करते हैं तो तकलीफ में आएंगे। फिलहाल इस ओवर की आखिरी बॉल है और दिनेश कार्तिक ने बढ़िया गेंद को खेलने का प्रयास करा लेकिन बल्ले पे गेंद नहीं आई। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 18 गेंदे 27 चाहिएगा भारत को। क्या ये काम आसान होगा अभी यहाँ से? मीडियम गति के गेंदबाज जाएंगे तो टाइमिंग करना और भी मुश्किल होने वाला है भारत के लिए। दो ओवर की बार 21 करा, पिछला ओवर कहीं ना कहीं हमारे सामने वाली टीम के लिए बहुत बढ़िया रही। नमीबिया खेले और यहाँ पे पहली गेंद रोहित शर्मा की ओर से बेहतर शॉट है लेकिन फील्डर यहाँ पे है तो पहली गेंद पे मिलेगा सिंगल। थोड़ा सा टाइमिंग में गलती कर बैठा, नहीं तो यहाँ पे 6 भी मिल जाते बल्लेबाज को। बल्ले के नीचे बॉल आई, थोड़ा सा ऊपर बॉल लगता तो शायद यहाँ पे कुछ और देखने को मिलता, लेकिन आगाज़ पहली गेंद पे सामने वाली टीम के लिए बहुत बढ़िया हुआ है। और ये बढ़िया शॉट खेलने का प्रयास करा एक और दफ़ा लेकिन गेंद ऊपर गई है और जाएंगे डबल के लिए। रोहित शर्मा डेंजर एंड पे आएंगे और कहीं ना कहीं डेंजर एंड पे आएंगे तो मुश्किल लग रहा है रोहित शर्मा के लिए बच पाना। क्या थर्ड अंपायर के पास जाएंगे? बिल्कुल अंपायर का मन है थर्ड अंपायर के पास और रोहित शर्मा डेंजर एंड पे लग रहा है। ऐसा लगा कि रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं क्योंकि थ्रो बहुत समय पहले आ चुका है तो एक और विकेट जाने के आसार यहाँ पे। अच्छी फील्डिंग वहाँ पे करी है, अगर डबल ही निकालने हैं बल्लेबाज को तो स्लो टाइमिंग के साथ डबल निकालने का प्रयास करना पड़ेगा। और बढ़िया थ्रो है यहाँ पे, क्या डाइव बचा लेंगे? थोड़ा स्लो मोशन में देखना पड़ेगा क्या डाइव बचा लेंगे। नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है कि डाइव बचा पाएंगे। ओके, यहाँ लगता नहीं है बॉल, मतलब यहाँ तो बॉल विकेट से लगे नहीं, उसके बावजूद बेल्स गिर गई है और अंपायर ने इनको आउट भी दे दिया तो ये कैसे हुआ, ये कैसे रनआउट दिया गया? तो चीटिंग हुआ है भारतीय कप्तान के साथ। बॉल जो है विकेट कीपर लगी नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पे आउट दे दिया गया, वो तो अपने आप बेल्स गिर गई है। तो भाई ये तो गलत कांड करें लोगों ने, यहाँ तो मुझे लगता है नॉट आउट थे बल्लेबाज, तो फिर ये तो गलत काम हुआ है बल्लेबाज के साथ। दिनेश कार्तिक को इस काम खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अब इनको ये मैच विनिंग पारी जो है खेलने पड़ेंगे। और लो यहाँ पे तो दिनेश कार्तिक भी चलते बनेंगे तो मीडियम गेंदबाज के पास यही दिक्कत हो जाते हैं कि टाइमिंग करना बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और जो कहा था हम लोगों ने कि पावर प्ले में रन आने बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं कर पाएंगे तो समस्या खड़ी होने वाली, और बिल्कुल वो समस्या जो है अब खड़ी होते हुए। अब हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत दो अच्छे बल्लेबाज है जिनसे अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद करते हैं। इस ओवर की पहले तीन गेंद में दो विकेट आ चुके हैं तो यहाँ पे विकेट का ही खेल चल रहा है। ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या से उम्मीद करेंगे अच्छी बल्लेबाजी की और यहाँ पे भी डबल का प्रयास जरूर बल्लेबाज नहीं करेंगे। यहाँ पे पिछली बार यहाँ से आउट हो चुके हैं तो एक और बार विकेट देना नहीं चाहेंगे इस गेंद के ऊपर अपना। ये मुकाबला कहीं ना कहीं फंस चुका है,
12 रन वैसे प्रति ओवर चाहिए तो आप डबल भी निकाल सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इसी पिच के ऊपर बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी, लेकिन थोड़ी सी समस्या इस मुकाबले में हो चुकी है टीम को, क्योंकि इनके पास गति नहीं है, गति नहीं है गेंदबाज के पास, और वो गति नहीं है तो आपके पास टाइमिंग करने में दिक्कत आएगी। और एक और विकेट गंवाया है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज आ रहे हैं और जा रहे हैं, थोड़ा सा अलग गेम प्लान आजमाना पड़ेगा बल्लेबाज को मुकाबला विन करना है तो, क्योंकि 2 ओवर में 3 ओवर में 27 चाहिए था आपको जीतने के लिए। अभी इस ओवर की आखिरी बॉल है और यहाँ अच्छा शॉट है बल्लेबाज के द्वारा, और एक और सिंगल मिलेंगे बल्लेबाज को। बिल्कुल यहाँ पर इसके लेना नहीं चाहेंगे, अब समस्या में हर टीम का ही नहीं, क्योंकि इनके पास गति नहीं, और जब गति नहीं होंगे तो बल्लेबाज को पावर अपनी ओर से जनरेट करना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा हल्के में ले बैठे बल्लेबाज और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। विराट कोहली का रन आउट होना, पहले उन्हें 15 आए थे, लेकिन उस 15 रन के ओवर को हटा दिया जाए तो बाकी बल्लेबाजी बहुत ख़राब हुई है। फिलहाल पहली बॉल हल्के हाथ शॉट खेल के डबल निकालने की मंशा बल्लेबाज के लिए, लेकिन यहाँ पर अच्छी टाइमिंग कर दी बल्लेबाज ने तो मिलेगा सिंगल। 11 बॉल है, यहाँ से 22 रन की दरकार है भारत को। अक्षर पटेल है नए बल्लेबाज, 1-2 बड़े शॉट की बात है, मुकाबला वहीं पे समाप्त हो जाएगा। 11 गेंदें बाकी है, 22 रन की दरकार। यहाँ पे बढ़िया गेंद है, डबल का प्रयास बल्लेबाज को करना चाहिए। गेंद बहुत दूर थी फील्डर से, और जब तक फील्डर गेंद को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे 2 रन बल्लेबाज को मिल जाएंगे। तो अक्षर पटेल पहली गेंद पर डबल निकाल चुके हैं, अब देखना पड़ेगा आखिरी ओवर के अंदर कितने रन बचते हैं। 10 गेंदों पर 20 वैसे भारत को चाहिए होगा, 10 गेंदें और 20 रन आखिरी ओवर के लिए कितना रन बचेगा वो सवाल अब यहाँ पे होगा। फिलहाल एक और बार हल्के आंसर से शॉट खेला है, लेकिन डबल का प्रयास करने पड़ेंगे बल्लेबाज को, रिस्की है लेना, लेकिन लेना पड़ेगा बल्लेबाज को रिस्क, और बटोर लेंगे यहाँ पे एक और दफ़ा 2 रन। तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, एक चौका निकल जाए तो बढ़िया होगा, एक चौका यहाँ पे निकालना अक्षर पटेल के लिए और टीम इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती। ओवर की चौथी बॉल है, इनके पास गति नहीं, और लीजिए एक और यहाँ पे डॉट गेंद। 8 गेंदों पे भारत को अब चाहिए होगा 18 रन, 8 गेंद 18 रन। ये मैच की अब जिम्मेदारी हार्दिक पंड्या पे आ चुकी है मैच को समाप्त करने का 8 गेंदों पे, क्योंकि अब चाहिए होगा 18 रन। और यहाँ पे लगा है टॉपेज और एक और विकेट है भारतीय टीम का, आवाज देंगे विकेट नंबर 7 नमीबिया फिलहाल हावी है। 7 गेंदों पे 18 चाहिए होगा हार्दिक पंड्या के ऊपर, अब जिम्मेदारी है इस मुकाबले को समाप्त करने का। क्या वो हार्दिक पंड्या आज फिनिशिंग टच दे पाएंगे भारत को? इस ओवर की आखिरी बॉल है, हार्दिक पंड्या के लिए आखिरी बॉल है और इम्पोर्टेंट गेंद है कहीं ना कहीं भारत के लिए भी। आखिरी बॉल इस ओवर के अंदर, स्लोअर गेंद है और कहीं ना कहीं ये शॉट बहुत इंपॉर्टेंट था। आखिरी बॉल पर बढ़िया शॉट और आखिरकार यहाँ पे बल्लेबाज ने बहुत ही वेट करने के बाद उस गेंद को खेला अच्छी मिल जाएंगे। तो नमीबिया जैसे और भी अगर टीम आते हैं तो आपको थोड़ा स्लो खेलना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास जो है गति नहीं है, तो गति जब गेंदबाज के पास नहीं होती है तो दिक्कत आ सकते हैं, और स्पिन गेंदबाज को मौका देंगे तो फिर आपको दोबारा से स्लो शॉट खेलने पड़ेंगे। 6 गेंदों पे 12 करने पड़ेंगे भारत को जीतने के लिए, तो आप डबल भी ट्राई कर सकते हैं। और पहली बॉल यहाँ पे सिंगल लेके हार्दिक पांड्या को फ्राई देंगे, क्योंकि एक भी बड़ा शॉट अगर हार्दिक पांड्या ने निकाल दिया तो भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत जाएंगे। और ये मुकाबला वैसे विन करना और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले मैच और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। तो पहली गेंद यहाँ पे मिलेगा 2 रन बल्लेबाज, 1 रन बल्लेबाज को, और हार्दिक पांड्या डाउन तक ग्राउंड शॉट खेलने को गए, टाइम नहीं कर पाए। और यहाँ तो एक और सिंगल मिलेंगे, 4 बॉल है, अब 10 रन चाहेंगे जीतने के लिए। क्या सुपर ओवर का भी यहाँ पे चांस है, या फिर मोहम्मद शमी से बाउंड्री की उम्मीद तो नहीं करेंगे भारत? नहीं, डॉट गेंद इस समय पर बिल्कुल नहीं चाहिएगा भारत को, इस समय पर डॉट गेंद बिल्कुल नहीं चाहिए होगा। 3 गेंदें अब भारत के पास शेष है इस मुकाबले को बचाने के लिए। और इम्पॉर्टेंट शॉट है कहने की, ये इम्पॉर्टेंट शॉट है मोहम्मद शमी के बल्ले से आखिरकार चौका आएगा, ये इम्पॉर्टेंट शॉट है। और ये मुकाबला बहुत कड़क देखने को मिला, एक समय ऐसा था कि लगा 47 का टारगेट इजी बनेगा, लेकिन नामीबिया के पास जो यार बॉलिंग है ना बहुत ही कमज़ोर गेंदबाजी है, गति है नहीं तो बल्लेबाज को टाइम करने में बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन ये थोड़ा सा ईजी बॉल डाल दिया गेंदबाज ने तो इसका फ़ायदा लिया। 2 बॉल भी अब छींचा होगा भारतीय टीम को, अब सामने की तरफ फील्डर नहीं है तो अब सामने की तरफ बड़ा शॉट खेलने का ट्राई कर सकते हैं कहीं ना कहीं। और ये बढ़िया शॉट है, चौका या डबल, चौका या सिंगल निकालने पड़ेंगे। पिछले ओवर की आखिरी बॉल पे एक बड़ा शॉट लगाया था हार्दिक पांड्या ने, तो उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी पे देखने को मिल सकते हैं। आखिरी बॉल यहाँ पे बड़ा शॉट चाहिए होगा, यहाँ पे कम से कम 6 नहीं तो 4 भारत को चाहिए होगा, और ये बढ़िया शॉट खेला, चौका मिलेगा।
सो गाइस सर, ये मुकाबला आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एंड ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप सभी के लिए सुपर ओवर का वीडियो होगा इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा बन चुका है। तो मिलते हैं कैसे कौन नई वीडियो में, तब तक मिलता है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद जय भारत।